सी बी एस सी देंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एडुकेशन बहुत ही जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी चेंजेस करती जा रही है है ना और वो चेंजेस कुछ इस साल वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है मतलब जो एग्जिस्टिंग सेशन के स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स फ्रॉम द सेशन 2023 टू ट्वेंटी और कुछ चेंजेस किए गए हैं आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए यानी कि न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए दैट इज 2024 ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो चलिए आज इस वीडियो में मैं अब तक के जो भी चेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स को जानने के लिए जरूरी हैं जो भी सी ने अब तक किए हैं उसके बारे में बात करूंगी जय श्री श्याम एवरी वन दिस इज योर यटर्स साक्षी दुआ वेलकम यू टू क्लास ट्वेल्थ ग्रूमिंग एजुकेशन तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस सी ने किए हैं फोर बोर्ड एग्जाम्स तो चलिए सबसे पहला चेंज जो सीबीएसई ने किया था वो ये था अकाउंट्स की आंसर शीट से रिलेटेड चेंज था राइट ये मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था ये एक वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ ताकि आपको जितने भी चेंजेस अभी तक हुए हैं वो रिकॉल हो जाएं। तो देखिए ये जो आंसर शीट से रिलेटेड चेंज आया था वो था अकाउंट्स की आंसर शीट से रिलेटेड चेंज अभी फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स सी बी एस ई अकाउंट्स की आंसर शीट दे रहा था टेबल्स वगैरह बनाकर यानी कि फॉर्मेट्स वगैरह बनाकर ठीक है उसमें आपको जर्नल के फॉर्मेट्स लेजर के फॉर्मेट्स बने हुए दिए जाते थे लेकिन फ्रॉम दिस सेशन यानी कि अब जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फेब्ररी 2024 में उन बोर्ड एग्जाम्स में आपको जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी अकाउंट्स की वो सिमिलर होगी आंसर शीट जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स की होंगी आपकी यानी कि आपकी जो आंसर शीट्स हैं अकाउंट्स की वो सिमिलर होंगी इंग्लिश की आंसर शीट से हिंदी की आंसर शीट से मैथ्स की आंसर शीट से तो यानी कि आपको अकाउंट्स के आंसर शीट्स में इस बार कोई भी फॉर्मेट्स वगैरह बने हुए नहीं दिए जाएंगे तो यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक खास चेंज है कि अब उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट्स भी बना बना कर देखें क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को मेजर प्रॉब्लम फॉर्मेट्स के अंदर ही आती है है ना अभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वी आर प्रैक्टिसिंग विदाउट द फॉर्मेट्स तो उससे क्या होता है कि आपके माइंड में फॉर्मेट अच्छे से बैठता नहीं है और जब बारी आती है एग्जाम्स में उन फॉर्मेट्स को बनाने की तो वहां पर आप फॉर्मेट ही भूल जाते हो और फॉर्मेट जब भूले तो फिर आप बाकी चीज़ भी कुछ लिख नहीं पाते हो उस आंसर में तो मेक श्योर sure कि आप बार 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 फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस करें ठीक है ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए सेकेंड चेंज जो आया वो अभी अभी सी बी एस ई ने अनाउंस किया था है ना और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं देखिए सेकेंड चेंज जो है वो ये है कि इस बार सी बी एस ई ना तो कोई मेरिट लिस्ट निकालने वाली है ना ही कोई टॉपर को डिस्प्ले किया जाएगा तो ये जो चेंज किया गया है ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो स्ट्रेस एक क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं दे चुके हैं तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको एलिमिनेट किया जाए स्ट्रेस को बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए ये स्टेप सीबीएसई ने उठाया है जिसमें सीबीएसई ने यह बोला है कि वो इस बार ना तो कोई मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करने वाला है ना ही कोई टॉपर उनके थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा एंड द नेक्स्ट मेजर चेंज फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स इज दैट कि मार्किंग स्कीम एंड सैम्पल पेपर सी बी एस सी ने इस बार बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिए हैं आई होप आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर लिया होगा जो भी बच्चे अपना कोर्स ओवर कर चुके हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना कोर्स ओवर नहीं किया है तो बेटा जल्दी से अपना कोर्स ओवर कर लीजिए क्योंकि कोर्स ओवर करने के बाद भी अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कोर्स ओवर करने के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल आपको सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे एटलीस्ट फोर टू फाइव फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स दूसरा आपको जो भी सी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं हो चुके हैं लास्ट फाइव ईयर्स के वो भी करने पड़ेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और जो आपका स्कोर है वो भी बहुत बढ़िया आएगा सो मेक श्योर कि आप सैंपल पेपर्स सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप कर लीजिए फॉर लास्ट फाइव ईयर्स ठीक है तो जल्दी से स्पीड बनाइए जिन भी बच्चों ने कोर्स ओवर नहीं किया है मेरा सजेशन उन्हें यही है कि जल्दी से बच्चों कोर्स ओवर कर लीजिए ताकि आप फिर अपने सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर पाए सो मार्किंग स्कीम लॉन्च कर दी है सीबीएसई ने साथ में सैंपल पेपर्स भी रिलीज कर दिए है इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट दैट इज सी बी एस ई डॉट जी ओ वी डॉट इन अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे आपको डाउनलोड करना है यहाँ से तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना रखी है दैट अबाउट हाउ टू डाउनलोड द सैंपल पेपर्स फ्रॉम सी बी एस वेबसाइट तो लिंक द डिस्क्रिप्शन जल्दी से जाके आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चेंज है वो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है जो जून 2020 जो फेबर 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं ये जो चेंज है ये है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो नेक्स्ट ईयर फेब्ररी 2025 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे मतलब जो सेशन से बिलोंग करेंगे 2024 ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी इस सेशन स्टूडेंट्स के लिए

आप उसे अवॉइड कर सकते हो ठीक है सो बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम द ईयर फेब्री 2025 फ्रॉम द ईयर 2025 ऑनवर्ड्स सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ चेंजेस तो आप मुझे बताइए कि इन सारे चेंजेस में से आपको कौन सा सबसे बढ़िया चेंज लगा सीबीएसई का और कौन सा सबसे वर्स्ट चेंज लगा सीबीएसई का तो यहां पर गाइड इजाजा चाहती हूँ सेशन को एंड करने की मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में टिल देन बबाई टेक केयर जय श्री शाम